सभी को नमस्ते। आज के चमत्कार को सुनने के पहले आइए सुनते हैं श्री भगवान का चिंतन। शारीरिक या मानसिक समिताएं भय का कारण नहीं है, भय प्रत्याशा में निहित है। आज का चमत्कार जे राजलक्ष्मी वेंकटेशन अरुपकुट्टे तमिलनाडु से। धर्म से मेरा परिचय 2007 में एक मित्र ने कराया था। मुझे उस समय कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। मुझे किडनी स्टोन और मेनोपॉज की समस्या थी। जब हमने एक डॉक्टर से परामर्श किया तो पता चला कि रक्त की भारी कमी के कारण स्थिति असामान्य थी, इसलिए सिटी स्कैन कराने की सलाह दी गई। सिटी स्कैन के तुरंत बाद मुझे एमआरआई भी करने के लिए कहा गया। स्कैन के परिणामों की समीक्षा करने पर डॉक्टर ने बताया कि मेरे लीवर में सूजन है और गॉल ब्लैडर के अंदर एक गंदा मांस का पिंड पाया गया है जो पथरी भी हो सकती है। मेरी आंत में भी ब्लॉक था। हमें सूचित किया गया था कि इन सभी मुद्दों को एक बार में नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें पहले स्तर पर रजोनिवृत्ति के उपचार के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई थी। हम श्री परम ज्योति से पूरे दिल से प्रार्थना करने लगे कि मुझे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने परमात्मा के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रार्थना के बाद एक चमत्कार हुआ। बिना किसी चिकित्सकीय उपचार के सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अपने आप ठीक हो गई। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं किसी भी प्रकार की दवा नहीं ले रही हूँ। मुझे पेट में हल्का सा भी दर्द नहीं है। मुझे पूर्ण स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने के लिए मैं आरोग्य प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान का आभार व्यक्त करती हूँ, हमेशा के लिए उनके दिव्य चरण कमलों में। धन्यवाद।